चलिए, काफी लोग जुड़ गए हैं तो हम अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं अब, है ना? सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम ओके, बहुत से लोगों का म्यूट है, तो अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकता है, ठीक है? हो सके तो प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार. सुनील, आई कांट हियर यू. कौन है ये सर? अपना वीडियो ऑन कीजिए, ऑडियो ऑन कीजिए. सॉरी, चलिए काफी लोग जुड़ गए तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. और जिनको भी आवाज नहीं आ रही, अपना एक बार ऑडियो ऑन करिए. तो कल हम लोगों ने यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट थोड़ा सा स्टार्ट किया था. तो जिन लोगों ने भी कल क्लास मिस कर दी है, जिन्होंने देख नहीं पाया है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं कि यंग पर्सन का जो हमारा एक लेक्चर सीरीज है वो यूट्यूब पर भी डला हुआ है, तो वहां से भी आप लोग एक बार शुरुआत ही देख सकते हैं, ठीक है? सभी को आवाज आ रही है ना बढ़िया से? तो यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट जो है, एडीपीओ का सबसे छोटा एक्ट है, सबसे माइनर एक्ट है. इसमें सिर्फ कितनी सेक्शन है मनीषा? उंगलियों से बता दो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. सेवन सेवन सेक्शन है ना? तो ये सबसे छोटा एक्ट है, इसमें सिर्फ 7 धाराएं हैं, ठीक है? और इसका एक्ट नंबर क्या था? 93. हाँ बताओ, एक्ट नंबर 93 है ना? तो मैंने कल बताया था कि जो एडीपीओ का एग्जाम होता है उसमें जितने भी बैर एक्ट हैं, जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनका एक्ट नंबर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो हमें सारे सब्जेक्ट्स के एक्ट नंबर याद होने चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद एक्ट नंबर के बाद क्या थी? डेट्स थी. दो डेट्स इंपॉर्टेंट होती है. कौन कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, नाम बताओ उन दो डेट्स के. कौन बताएगा? आप बताओ शैलेंद्र. एक होती है इनएक्टेड जिस दिन मतलब प्रवृत्त हुआ है, लागू हुआ है. और उल्टा बोल दिया, लिखा था उल्टा. Sorry? बोल दिया, उल्टा बोल दिया. इनएक्टमेंट डेट इज दैट डेट ऑन व्हिच अ बिल इज इनएक्टेड, जिसपे प्रेसिडेंट ने जिस तारीख को अपने हस्ताक्षर साइन किए हैं, वो इनएक्टमेंट डेट है. प्रियल, शायद आप कुछ बोल रही है लेकिन आपका ऑडियो ऑन नहीं है, इसलिए मुझे आवाज नहीं आ रही है. अच्छा हाँ, ठीक है, इट्स ओके. फिर ठीक है, तो इनएक्टमेंट डेट, जिस डेट को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे. इन्फोर्समेंट डेट मतलब लागू होने वाली तारीख, जिस तारीख को लागू हुआ था, है ना? तो क्या है इनएक्टमेंट डेट? प्रियल को याद है? प्रियल बताइए. मैम देख के बता देती हूँ, अभी याद नहीं है. 28 दिसंबर 1956. हाँ, कितना, क्या बोला आपने? 28 दिसंबर 1956. हाँ ठीक, ये इसकी प्रेसिडेंट की असेंट डेट है, या इसको हम इनएक्टमेंट डेट बोल सकते हैं. और इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 फरवरी 1957. ठीक, वेरी गुड, ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है. अब हमने पढ़ी थी सेक्शन फर्स्ट. तो सेक्शन फर्स्ट शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ. चलिए, राकेश जी भी आ गए हैं. क्या हाल चाल राकेश जी? बढ़िया बढ़िया मैडम. सुनील को कहाँ छोड़ दिया? सुनील को भी बुला लो. सुनील का नेटवर्क ही नहीं मिलता. सुनील को बोला था मैंने कल फोन लगा के, बोलो कहना गाय भैंसों को छोड़ के जरा शहर में आ जाओ, नेटवर्क मिलने लगे. चलो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. सेक्शन वन, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. तो शॉर्ट टाइटल सबको पता है, यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट 1956.
फुल टाइटल क्या था? फटाफट फटाफट बताते चलिए। मैम सुनील भी आ गया। सुनील भी आ गए। सुनील ठीक ठाक हाल चाल? यस मैम बढ़िया एकदम। चलो आप भी अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐड हैं, ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम क्लास जैसा। चलो हाँ बताओ यंग पर्सन का फुल टाइटल क्या है, कौन बताएगा? हाँ बताओ, मनीषा बताएगी। आवाज नहीं आई। यंग पर्सन एक्ट 1956 एक्ट नंबर 19। वेरी गुड। यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, एक्ट नंबर 93। जब हम किसी भी सब्जेक्ट का नाम उसके एक्ट नंबर के साथ बोलते हैं तब वो उसका फुल टाइटल कहलाता है, ठीक है। अब तो जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें ऑलरेडी शॉर्ट टाइटल बताया रहता है, इसलिए मैंने ये चीज आपको क्लियर कर दी, क्योंकि हम जितने भी बैरक्स पढ़ते सब में क्या दिया रहता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ पहली वाली धारा में दिया रहता है। तो सबको पता रहता है कि ये संक्षिप्त नाम तो ये है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि पूरा नाम क्या है। तो इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पूरा नाम जो एक्ट का होता है हमेशा वो उसके एक्ट नंबर के साथ होता है, ठीक है, एक्ट नंबर 93 जो नीचे लिखा होता है। देन उसके बाद विस्तार बताया है कहां कहां ये लागू है। तो यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू है, ठीक है। यंग पर्सन हार्मफुल एक्ट अप्लाई ऑन होल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। तो अभी जो जम्मू एंड कश्मीर का अमेंडमेंट हुआ है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो उसमें अभी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है कि ये एक्ट अभी भी जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं है, ठीक है, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ इस एक्ट में। उसके बाद इन्फोर्समेंट डेट कब लागू हुआ, तो हमें पता ही है 1 फरवरी 1957 को ये लागू हुआ है। तो डेट्स याद रखनी, बिल्कुल डेट्स का चार्ट बना लीजिए सारे। 32 सब्जेक्ट कम नहीं होते, जब 32 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल रहता है। 32 सब्जेक्ट्स के नाम लिखिए एक साइड और उनकी इन्फोर्समेंट डेट लिखिए, एक चार्ट बनाइए। दूसरा बनाइए 32 सब्जेक्ट्स के नेम लिखिए, उसकी इनेक्टमेंट डेट लिखिए, ठीक है। तीसरा चार्ट बनेगा, नाम लिखिए, एक्ट नंबर लिखिए, ताकि बिल्कुल याद हो जाए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं एडीपीओ के एग्जाम में। सिविल जज में नहीं बनते लेकिन एडीपीओ के एग्जाम में बनते हैं। देन अब आते हैं हम सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 थी डेफिनेशन क्लॉज, जिसमें तीन परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। पहला 2A में, 2K में परिभाषित किया गया है हार्मफुल पब्लिकेशन को। 2B 2K में परिभाषित किया गया है राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को। और 2C में परिभाषित किया गया है यंग पर्सन को, मतलब आपका अल्पवय व्यक्ति को। तो जैसा कि इसका नाम है, अब देखिए बहुत से एक्ट्स होते हैं इसमें तो सिर्फ तीन परिभाषाएं हैं, तो हम तीनों पढ़ सकते हैं। बहुत से एक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे हम आर्म्स एक्ट पढ़ेंगे, एनडीपीएस एक्ट पढ़ेंगे, उसमें इतनी सारी परिभाषाएं हैं कि आप सिर्फ परिभाषा का क्लॉज पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार कितनी सारी परिभाषा। तो अब ये कैसे पता लगाया जाए कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, कौन सी है? तो जब भी हम कोचिंग जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि टीचर बताएगा कि भाई ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो टीचर भी जो है ना, कोई वरदान लेके तो आए नहीं कि उनको पता है कि जो एग्जामिनर है जो पेपर सेट करेगा वो कौन सी डेफिनेशन दे देंगे। तो देखिए एक तरीका होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग होती है जो हर व्यक्ति को भगवान ने दी है। तो देखिए क्या है वो, कि जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं तो जो एक्ट का नाम है उससे रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाती है, मतलब वो तो इम्पोर्टेंट होगी ही होगी। जैसे यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, तो यहाँ बात हो रही है यंग पर्सन की, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो समझ में आती है कि यंग पर्सन ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि उसी से रिलेटेड ये एक्ट है, ठीक है। दूसरा है हार्मफुल पब्लिकेशन, वो भी इसमें नाम मेंशन है, तो हार्मफुल पब्लिकेशन। तो ये दो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी डेफिनेशन है। इसमें तो सिर्फ तीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे के एक्ट्स के लिए भी बता रही हूँ। अब जब हम और कोई एक्ट पढ़ेंगे जिसमें बहुत सारी धाराएं होंगी तब बताऊंगी आगे। तो कल मैंने एक चीज और बताई थी कि डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज, कुछ कुछ एक्ट्स में डेफिनेशन क्लॉज में वर्ड्स एक्सप्लेन होते हैं और कुछ कुछ एक्ट में वर्ड्स को डिफाइंड किया होता है अंडर इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन क्लॉज एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज, ऐसा क्यों है कि कुछ एक्ट्स में इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर डाला गया है और कुछ एक्ट्स में डेफिनेशन क्लॉज के अंदर डाला गया है? एक ही में डाल सकते थे। कल जिन लोगों ने क्लास अटेंड की थी वो बता पाएंगे, किसने अटेंड की थी बताइए, कौन बताएगा? राकेश बताएंगे। राकेश
हंसना नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट क्या है डिफरेंस। पहले अपना वो ऑडियो ऑन करो, ऑडियो ऑन करो पहले। लीजिए, उन्होंने वीडियो ही बंद कर दिया। हाँ चलो आप बताओ शैलेंद्र। हम जिसमें इंटरप्रिटेशन में ये होता है कि इसमें कोट क्या है कि कुछ भी चीज को ऐड कर सकता है। जो डेफिनेशन क्लॉज होती है वो एक कंप्लीट डेफिनेशन होती है। उसकी तो यही डिफरेंस है। ठीक है चलो प्रियल बताओ। मैंने कल की क्लास अटेंड नहीं की। कोई बात नहीं, मनीषा बताइए। मनीषा बताओ। मैम यही बताया था डेफिनेशन क्लॉज में जो जज होता है वो कोई भी वर्ड ऐड नहीं कर सकता, बट इंटरप्रिटेशन क्लॉज में वो कोई भी वर्ड अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकता है अगर वहां रिक्वायर्ड होगा तो। देखिए इंटरप्रिटेशन, जैसा कि इंटरप्रिटेशन वर्ड्स का मतलब ही क्या होता है, इंटरप्रिटेट करना, व्याख्या करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या करना। तो जब किसी वर्ड को इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंतर्गत डिफाइंड किया गया है, मतलब वहां पे कोर्ट को पावर दी गई है कि कोर्ट अपने अकॉर्डिंग भी उस वर्ड में कुछ इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, कुछ चीजें समावेश कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जितने भी वर्ड्स डिफाइंड हैं वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंदर है। जैसे इमोवेबल प्रॉपर्टी, तो इमोवेबल प्रॉपर्टी की परिभाषा वहां क्या दी गई है कि इमोवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और मैं तीसरा वर्ड भूल जाती हूँ, ठीक है वो क्या था, टिम्बर। टिम्बर राइट, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, खड़ा कास्ट, उगती फसलें और घास जो है इमोवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत नहीं आता। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन दी है। अब अगर न्यायालय के पास कोई केस पहुंचेगा तो क्या इतनी सी डेफिनेशन के बेस पे कि योग ये कह दिया कि ये इमोवेबल प्रॉपर्टी नहीं, क्या कोर्ट डिसाइड कर लेगा? नहीं कर सकता। कोर्ट को इमोवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होगी ये पता होना चाहिए। इसलिए आपको पता होगा कि इमोवेबल प्रॉपर्टी को बहुत सारे, इमोवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत बहुत सारे राइट्स आए हुए हैं जो कैसे आए हैं, कोर्ट ने डिसाइड किए हैं। जैसे राइट टू फिशरी है ना, सबको पता है ना, मछली पकड़ने का अधिकार क्या है, इमोवेबल प्रॉपर्टी है। ये कैसे आया, कहाँ से आया, कोर्ट ने इसको डिसाइड किया है केस में कि राइट टू फिशरी जो है वो एक इमोवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। क्यों क्यों कर पाया कोर्ट ये, क्योंकि इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंतर्गत ये डेफिनेशन थी और इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब होता है कि कोर्ट अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर सकता है। डेफिनेशन क्लॉज, डेफिनेशन क्लॉज में यदि किसी वर्ड को डिफाइन किया जाता है तब फिर कोर्ट को इंटरप्रिटेशन का पावर नहीं होता वहां पर। डेफिनेशन क्लॉज में अगर किसी वर्ड को डिफाइन किया है, मतलब जो परिभाषा डायरेक्ट में लिख दी गई है एज इट इज वही मानना पड़ेगी, फिर ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। अगर इमोवेबल प्रॉपर्टी डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत होती तो फिर कोर्ट अपना सर पकड़ के बैठ जाती कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर ही इमोवेबल प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब क्या होता है पता नहीं, वही मान के उसको चलना पड़ता। ठीक है, क्लियर है? तो लॉ बनाने वाले भी पागल नहीं है, वो भी बड़े बुद्धिमान है, उनको पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उन्होंने कुछ एक्समेंट इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अंतर्गत डिफाइन किया है टर्म्स को, और जहां जरूरत नहीं है वहां डेफिनेशन क्लॉज में डाला है कि भाई यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। फॉर एग्जांपल दिस एक्ट, इसमें डेफिनेशन क्लॉज में डाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम डेफिनेशन। हमारी पहली पहली डेफिनेशन है 2A, हार्मफुल पब्लिकेशन, अपहानिकर प्रकाशन। क्या है डेफिनेशन, आप लोगों के पास डायरेक्ट है? नहीं हो तो नेट पे डाल लीजिए, 2 मिनट में मोबाइल पे खुल जाएगा आप लोगों के, गूगल पे। ठीक है, तो देखिए पहली परिभाषा है, या फिर कहो तो स्क्रीन शेयर करूं, क्या करना है जल्दी बताओ। ये आपने फुल स्क्रीन कर दी इसकी, मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। हेलो, हाँ हेलो, खोल तो लेने दो। हेलो, हाँ बोलो बोलो। मैम स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, एक मिनट। मैंने कहा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा मैम। हाँ कर रही हूँ, कर रही हूँ, एक मिनट को। जी जी जी,
ये देखिए, दिखने लगा सभी को, दिख रही है स्क्रीन? जी मैम, थैंक यू। ये देखिए, पहली डेफिनेशन है हार्मफुल पब्लिकेशन, है ना, अल्पव्यय व्यक्ति। हिंदी में मैं बोलती जाऊंगी, हिंदी वाले हिंदी में सुनते जाएंगे, ठीक है। देखिए पहली डेफिनेशन दी है 2A में, क्या अल्प सॉरी अपहानिकर प्रकाशन। तो यहाँ पे कहा गया है कि हार्मफुल पब्लिकेशन मीन्स एनी बुक, मैगजीन, पैम्पलेट, लीफलेट, न्यूज़पेपर और अदर लाइक पब्लिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज टोल्ड विद द एड ऑफ पिक्चर्स और विदाउट द एड ऑफ पिक्चर्स और होली इन पिक्चर्स बीइंग स्टोरीज पोर्ट्रेइंग होली और मेनली द कमीशन ऑफ ऑफेंस, सेकेंड एक्ट ऑफ वायलेंस और क्रुएल्टी, थर्ड इंसिडेंट्स ऑफ अ रिपल्सिव और हॉरिबल नेचर इन सच अ वे दैट द पब्लिकेशन एज अ होल वुड टेंड टू करप्ट अ यंग पर्सन इनटू हूज हैंड्स इट माइट फॉल वेदर बाय इंसाइटिंग और एनकरेजिंग हिम टू कमिट ऑफेंसेस और एक्ट्स ऑफ वायलेंस और क्रुएल्टी और इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर। तो इसमें सीधा सा क्या बोला गया है, इसमें ये कहा गया है कि अपहानिकर प्रकाशन जो हार्मफुल पब्लिकेशन है वो कोई भी ऐसी मैगजीन, बुक, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर, लीफलेट, किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जिसमें क्या है, जिसमें कुछ कहानियां बताई गई हैं, जो कहानियां या तो पिक्चर्स की सहायता से, चित्रों की सहायता से बताई गई है या बिना चित्रों की सहायता से बताई गई है। ये जो कहानियां बताई गई हैं चित्रों की सहायता से या बिना चित्र की सहायता से, वो ये तीन प्रकार की चीजें शो कर रही है। क्या ये जो तीन पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो कहानियां क्या बता रही हैं, या तो किसी ऑफेंस के कमीशन की बात बता रही हैं कि कैसे कोई अपराध किया गया, सेकंड एक्ट ऑफ वायलेंस या क्रुएल्टी, कोई हिंसा या क्रूरता के कार्यों को दर्शा रही हैं। उस स्टोरी में ऐसा बताया गया है कि कैसे कोई कृत्य जो किया गया है वो कैसे हिंसा पूर्वक और कैसे क्रुएल्टी से किया गया है। तीसरा जो वर्ड है हिंदी में इसको बोला गया है, लिख ले हिंदी वाले, जुगुप्साकारी अथवा भयावह प्रकार की घटनाएं, इंसिडेंट्स ऑफ रिपल्सिव एंड हॉरिबल नेचर। जो हॉरिबल वर्ड है मतलब डराने वाला, उसका ही सिनोनिम है क्या, जुगुप्साकारी या रिपल्सिव, डराने वाली घटनाओं का वर्णन किया गया है। और अब ये जो तीन प्रकार के एक्ट्स किसी भी बुक, पैम्फलेट, लीफलेट में बताए गए हैं, अगर ये बुक, ये पब्लिकेशन किसी यंग पर्सन के हाथ में पड़ जाए तो वो यंग पर्सन क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसको ये बुक पढ़ के लगेगा कि यार इस प्रकार का काम तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर वो थोड़ा खोड़ी टाइप का होगा, उपद्री टाइप के होते हैं ना, वैसे भी लड़के तो कुछ ज्यादा ही उपद्री होते हैं, तो जैसे उनके हाथ में अगर लग गया इस टाइप का पब्लिकेशन तो वो क्या करेंगे, वो करेंगे, वो जाएंगे और वो कहेंगे यार मेरा ऐसे से ऐसा काम नहीं बन रहा, ये इसमें तरीका बड़ा अच्छा दिया है, तो वो उस तरीकों को अपनाएंगे। तो ऐसी प्रकृति है कि उसको देख के ही लग रहा है कि अगर किसी यंग पर्सन, अल्पव्यय व्यक्ति, यहाँ पे वर्ड इंपॉर्टेंट है, हाथ में किसकी लग रही है, अल्पव्यय व्यक्ति। अल्पव्यय व्यक्ति कौन होगा ये बताया है 2C में, तो यहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे 2C को। यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 20 years। अल्पव्यय व्यक्ति, यंग पर्सन, वो पर्सन होगा जो 20 वर्ष से कम आयु का होगा। जब भी हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं तो इसके वर्ड्स पे ध्यान देना है, उसमें स्पष्ट लिखा है अंडर, कम मतलब 20 वर्ष से कम का ही होना चाहिए, 19.5 तक का चलेगा, और 20 वर्ष का हो गया तो ये एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, इसलिए इतने डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अब यहाँ से इस डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फ्रेम कैसे होंगे, पहला सीधा पूछ लेंगे हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, इंटरनेट नहीं चल रहा है, पहला पूछ सकते हैं कि हार्मफुल पब्लिकेशन को कहां डिफाइंड किया गया है, 2A, 2B, 2C, none of the above, पता है सबको 2A, टिक लगा दिया, ये सिंपल वे हो गया। दूसरा पूछेंगे ये जो तीन ऑप्शन दिए ना हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कमीशन ऑफ ऑफेंस, एक्ट ऑफ वायलेंस एंड क्रुएल्टी, इंडिसेंट ऑफ रिपल्सिव एंड हॉरिबल नेचर, इसके साथ वो एक और जोड़ देंगे और बताएंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। एज से, 2C से क्या बनेगा,
कि कौन सा पर्सन यंग पर्सन के अंतर्गत नहीं आएगा या आएगा, दो टाइप से बन सकता है। तो वो जो ऑप्शन है वो ये देंगे कि अंडर द एज ऑफ 20 इयर्स, 20 इयर्स, कंप्लीटेड द एज ऑफ 20 इयर्स, नन ऑफ द अबव। तो अब आपको याद रखनी है लैंग्वेज कि अंडर द एज ऑफ 20 इयर्स, 20 वर्ष से कम आयु का जो होगा उसी पर लागू होगा। ये नहीं, कई बार पढ़े पढ़ाए लोग, अच्छे से पता है हमें, अभी हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से पता है, दिमाग में बैठ गया, अब हमने नहीं किया इसको रिवीजन पेपर टाइम तक, भाई हमें तो याद है, साफ तो धाराएं थी, याद है, ओवर कॉन्फिडेंस, और जब पेपर में गए वहां पे देखा 20 वर्ष और ये आंख बंद करके टिक लगाया, आता हुआ क्वेश्चन गलत। तो अभी से ही दिमाग में बैठाओ अंडर द एज ऑफ 20 इयर्स, 20 वर्ष से कम आयु, मतलब 19 साढ़े 19 हो सकता है, 20 नहीं होना चाहिए। क्लियर है सबको? हाँ ना तो बोलो। सो गए क्या? चलो जी 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 मैम, आपकी आपकी मतलब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। चलो आगे देखते हैं, ये हो गया हमारा डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या है? पेनल्टी फॉर सेल एटसेट्रा ऑफ हार्मफुल पब्लिकेशन, अब हानिकारक प्रकाशनों के विक्रय आदि के लिए शास्ति, पेनल्टी, इसको हम शास्ति पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, अगर किसी के पास नहीं भी होगा तो नेट से मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश में, तो आराम से पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब पे भी बाकायदा पूरी सेक्शंस ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझाया, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आप। ठीक है, अभी बस समझते जाइए क्योंकि समझना इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 3 बात करती है पेनल्टी की, काय पर? उन्होंने लिखा है सेल्स एटसेट्रा, मतलब सेल्स के अलावा भी कुछ चीजें करेंगे तो उसके लिए हमें शास्ति बताई गई। पहली चीज तो हेडिंग इम्पोर्टेंट, हेडिंग से क्वेश्चन बनेगा। अब हेडिंग किस चीज की बात कर रहा है? पेनल्टी की, मतलब पेनल्टी इम्पोर्टेंट कि कितनी पेनल्टी होगी, दूसरा क्वेश्चन वहां से अराइज हो सकता है। फिर उसके बाद किन किन चीजों के लिए, वो अब हम अंदर पढ़ लेते, देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ अ पर्सन फेल्स लेट्स टू हायर डिस्ट्रीब्यूट, पब्लिकली एग्जिबिट और इन एनी मैनर पुट्स इनटू कंसीडरेशन एनी हार्मफुल पब्लिकेशन और फॉर पर्पज ऑफ सेल हायर डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक एग्जिबिशन और सर्कुलेशन प्रिंट्स मेक्स और प्रोड्यूस और हैज इन हिज पोजेशन एनी हार्मफुल पब्लिकेशन और एडवर्टाइज और मेक नोन बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर दैट एनी हार्मफुल पब्लिकेशन कैन बी प्रोक्योर फ्रॉम और थ्रू एनी पर्सन। तीन चीजें, पहले तो बेच रहा है, सबसे पहला पॉइंट, किसी अपहानिकर प्रकाशन को बेचेगा, भाड़े पर देगा, वितरित करेगा, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगा या किसी रीति से परिचालित करेगा, मतलब किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसको सेल कर रहे हो, किराए पर दे रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, पहला पॉइंट सेल करना। दूसरा पॉइंट, ऊपर वाले पर्पजेस के लिए, बेचने के लिए, किराए पर देने के लिए, वितरित करने के लिए, ये सब करने के लिए आप क्या कर रहे हो, मुद्रित, रचित या उत्पादित करेगा, मैन्युफैक्चर कर रहा है। सेकंड पॉइंट पे एक-एक वर्ड बना लो, पहले में सेल कर रहा है, दूसरे में इन सब पर्पजेस के लिए, पहले वाले पॉइंट के पर्पजेस के लिए मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, और थर्ड वाले पॉइंट में क्या कर रहा है, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है किसी भी तरीके से। ये तीन एक्ट अगर कोई पर्सन करेगा तो उसको पेनल्टी होगी, उसके ऊपर सजा का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, हार्मफुल पब्लिकेशन जो हम पढ़ चुके हैं कि जो भी हार्मफुल पब्लिकेशन होगा उसका कोई भी पर्सन किसी भी तरीके से उसको बेचेगा, किराए पर देगा, वितरण करेगा, है ना, या उन इस पर्पस के लिए मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा कि हमें इसको बेचना है बना करके, तो बनाएगा, मुद्रित, रचित और उत्पादित करेगा। और थर्ड पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट करेगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि वो ठीक है, यह विज्ञापन करेगा या किसी भी साधन के द्वारा यह ज्ञात कराएगा, किसी भी साधन के द्वारा ज्ञात कराएगा का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट भी आप कर रहे हो, तो भी कि कोई अपहानिकर प्रकाशन किसी व्यक्ति से या उसके माध्यम से उपाप्त किया जा सकता है, मतलब आप बता रहे हो कि भाई मेरे पास तो नहीं है, वहां चले जाओ राजश्री वहां मिलेगा, अभी लॉकडाउन चल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को गुटखे और राजश्री का ज्यादा पड़ रहा है आजकल, पता है सबको, है ना, तो उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं बेच रहे हैं, उससे सेटिंग मिला दी कि देखो कमीशन हमारा, हम तुम्हारे पास ग्राहक भेजेंगे वहां से ले आना, है ना,
ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अब ये जो तीन चीजें करेगा तो उसको पनिशमेंट कितनी, ये देखिए आगे क्या लिखा है, आगे इसमें लिखा हुआ है जी मैम, कहां गई सेक्शन, हाँ, he shall be punishable with imprisonment which may extend to 6 months or with fine or with both, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिर वो पनिशेबल होगा 6 माह के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से। तो सेक्शन 3 में पनिशमेंट कितनी हो गई, 6 मंथ, बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। यंग पर्सन में एक ही जगह पेनल्टी का प्रोविजन दिया है सेक्शन 3 में, और पेनल्टी है 6 मंथ, मतलब इस एक्ट में छोटा सा एक्ट है, छोटी सी सजा है, 6 मंथ तक का कारावास, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली ये है, कभी भी ये चीज लिखी होती है ना कहीं पर भी पनिशमेंट, किसी भी एक्ट में पढ़ेंगे हम, कि इट में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 मंथ तक की सजा दी जा सकती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 6 मंथ की ही देगा। अब ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, वो चाहे तो 1 मंथ दे दे, 15 दिन दे दे, 2 महीने दे दे, 3 महीने दे दे, 4 महीने दे दे, 5 महीने दे दे, लेकिन 6 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकता। इसमें क्या दी गई है, मैक्सिमम लिमिट दी गई है, 6 मंथ से ज्यादा नहीं दे सकते, आप उससे कम दे सकते हो, ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ पे गौर करने वाली और लगा हुआ है कि 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, 6 माह का कारावास या हिंदी में या जुर्माने से या दोनों से। यहाँ पे या और लगा है, इसका मतलब क्या है कि कोर्ट के पास फिर डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहे तो सिर्फ फाइन भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि कारावास भी दे, वो चाहे तो सिर्फ कारावास दे सकता है, वो चाहे तो सिर्फ फाइन दे सकता है, और वो चाहे तो दोनों भी दे सकता है। अब जज को लग रहा है कि नहीं, इसको 2 महीने की सजा भी देनी है, कारावास इम्प्रिजनमेंट भी देना है और फाइन भी देना है। अब यहाँ पे फाइन की कोई लिमिट नहीं बताई है, तो फाइन की कोई लिमिट नहीं बताई है तो वो गवर्न हो जाएगी आपकी कैसे, सीआरपीसी से, वहां पे बताई गई होगी कहीं ना कहीं पर, ठीक है। अब ये हो गया क्लियर आपको पेनल्टी। अब इसका सेकेंड देखिए, सबसेक्शन 2 क्या बोल रही है, On a conviction under this section, the court may order the destruction of all the copies of the harmful publication in respect of which the conviction was had and which are in the custody of the court or remain in the possession or power of the person convicted. एक बार हिंदी में देखिए क्या बोल लिखा है, इस धारा के अधीन दोष सिद्धि पर न्यायालय, ध्यान रखना यहाँ पे पावर किसको मिल रहा है, न्यायालय को, क्योंकि अभी आगे वाली सेक्शन में किसी दूसरे को मिलेगा। इस धारा के अधीन दोष सिद्धि पर न्यायालय उस अपहानिकर प्रकाशन की सब प्रतियों को नष्ट करने का आदेश दे सकेगा जिनके संबंध में दोष सिद्धि हुई और जो न्यायालय की अभिरक्षा में है या सिद्ध दोष व्यक्ति की शक्ति या कब्जे में बची है। तो जो भी यहाँ पे वो मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, हार्मफुल पब्लिकेशन के बारे में जो पनिशमेंट है, तो यहाँ पे कोर्ट क्या आदेश दे सकती है कि जितना भी हार्मफुल पब्लिकेशन का आइटम मिला है, जब्त हुआ है, उसको क्या कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, डिस्ट्रक्शन का आदेश दे रही है। यहाँ पे कौन दे रही है, कोर्ट दे रही है, यहाँ पे याद रखने वाली बात है, ठीक है। ठीक है, कौन दे रहा है, कोर्ट आदेश दे रही है डिस्ट्रक्शन का, कि जितनी भी हार्मफुल पब्लिकेशन सीज की गई है, मिली है, उसको डिस्ट्रक्ट कर दो अब जितनी भी, ताकि वो बचे ना, किसी अल्पवय व्यक्ति के हाथ में ना पड़ जाए। क्लियर है, ये हो गई आपकी सेक्शन 3। तो यहाँ पे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपका सेक्शन से क्वेश्चन बन सकता है, पेनल्टी कितनी है, 6 मंथ या फाइन या दोनों, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। डिस्ट्रक्शन का आदेश कौन देगा, कोर्ट देगी, ये यहाँ से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। और इतने बड़े बड़े जो इसके पॉइंट्स हैं ABC, अगर उनको बहुत टफ बनाना है पेपर, तब ऐसे ऑप्शंस देते हैं टाइम कंज्यूमिंग, उनको क्या लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएं जिससे बच्चों का टाइम कंज्यूम हो, तब वो ऐसे टफ पेपर बनाना है, तब वो ऐसे क्वेश्चंस डालते हैं, वैसे इतना टफ नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब है हमारी सेक्शन 4। सेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू डिक्लेयर हार्मफुल पब्लिकेशन फॉरफिटेड, अपहानिकर प्रकाशनों को संप्रहत घोषित करने की सरकार की शक्ति। अब यहाँ कोर्ट के अलावा किसको पावर मिल गया, गवर्नमेंट को पावर दे दिया गया है, यहाँ गवर्नमेंट भी
के पास भी पावर है कि वो भी अपने स्तर पर बोल सकती है कि ऐसे हार्मफुल पब्लिकेशन जहां जहां मिले उनको क्या कर दो, फॉरफिट कर दो, संप्रहत कर दो, जाके सीज कर लो। पढ़ते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट मे इफ इट इज ऑफ ओपिनियन आफ्टर कंसल्टेशन विद द प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर। इम्पोर्टेंट, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, विद द प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, व्हाट वेदर कॉल्ड एडवोकेट जनरल और बाय एनी अदर नेम। स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर तो देगी, लेकिन किससे कंसल्टेशन लेने के बाद, किसकी राय लेने के बाद? प्रधान विधि अधिकारी, जो एडवोकेट जनरल या किसी भी नाम से उस स्टेट में कोई पद धारण करता हो, तो जो भी प्रधान विधि अधिकारी है, प्रधान विधि अधिकारी की राय लेने के बाद, उससे कंसल्ट करने के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर पास करेगी। किस चीज का ऑर्डर पास करेगी? That any publication is a harmful publication declared by order notified in the official gazette that every copy of such publication shall be forfeited to the government and every such notification shall state the grounds for the order. हिंदी में एक बार पढ़ देती हूँ। यदि राज्य के प्रधान विधि अधिकारी के से परामर्श के पश्चात, चाहे वह महाधिवक्ता या किसी भी अन्य नाम से ज्ञात हो, राज्य सरकार की यह राय है कि कोई प्रकाशन अपहानिकर प्रकाशन है, तो वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा घोषित कर सकेगी कि ऐसे प्रकाशन की प्रत्येक प्रति सरकार को संप्रहत हो जाएगी और प्रत्येक ऐसी अधिसूचना में आदेश का आधार कथित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? पहली चीज हेडिंग, सेक्शन फोर। सेक्शन फोर बात करती है गवर्नमेंट के पास पावर की, कि गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो हार्मफुल पब्लिकेशन को फॉरफिट करने का ऑर्डर दे सकती है, संप्रहण का आदेश दे सकती है। पहला सेक्शन से क्वेश्चन बन गया, लेकिन वो पावर कैसे अप्लाई करेगी स्टेट गवर्नमेंट? पूरा डिस्क्रिशनरी, उसको ओपिनियन लेना पड़ेगा, उसको राय लेना पड़ेगी। किसकी राय लेना पड़ेगी? विद द प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, जो भी राज्य का प्रधान विधि अधिकारी है उससे परामर्श के पश्चात, यदि राज्य सरकार को लगता है कि पब्लिकेशन हार्मफुल पब्लिकेशन है, तो वो एक ऑर्डर पास करेगी ऑफिशियल गजट में कि जितनी भी कॉपीज अवेलेबल हैं उस पब्लिकेशन की, सबको क्या कर दिया जाए? सरकार के पास फॉरफिट करा दिया जाए और उसके ग्राउंड्स भी लिखे जाए। देखिए लास्ट में क्या लिखा है, एंड एवरी सच नोटिफिकेशन शैल स्टेट द ग्राउंड्स फॉर द ऑर्डर। नोटिफिकेशन में ग्राउंड्स भी बताने पड़ेंगे सरकार को कि वो क्यों ऑर्डर निकाल रही है, मतलब उसको बताना पड़ेगा कि उसको लगता है कि ये जो पब्लिकेशन है ये हार्मफुल पब्लिकेशन है, क्योंकि इसमें ये चीजें हैं। ठीक है, ये चीजें हैं, मतलब हार्मफुल पब्लिकेशन की डेफिनेशन वाली चीजें उस डॉक्यूमेंट में उसको लगता है तब। क्लियर है? अब इसके आगे देखते हैं क्या है, हमारी क्लास का टाइम ओवर होने वाला है, तो सेक्शन फोर हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, और पढ़ते पढ़ते अगर बंद हो जाएगी तो हम लोग बाद में ग्रुप पे डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सेक्शन इसकी सबसेक्शन टू देखिए, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सबसेक्शन वन ऑफ सेक्शन सिक्स, वेयर देयर इज एन ऑर्डर ऑफ फॉरफीचर अंडर सबसेक्शन वन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पब्लिकेशन, इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी पुलिस ऑफिसर टू सीज द सेम व्हाटएवर फाउंड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, धारा 6 की उपधारा 1, क्योंकि धारा 6 में भी यही बात बोली गई, अब जब हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे सेक्शन 6 तो इसको रिलेट कर लेंगे। धारा 6 की उपधारा 1 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि जहां किसी प्रकाशन के संबंध में उपधारा 1 के अधीन संप्रहण का आदेश है, वहां किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर अधिनियम का विस्तार है, जहां कहीं भी वह पाया जाए उसे अभिग्रहित करना विधिपूर्ण होगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश दिया है तो पुलिस अधिकारी को पावर दिया है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट आदेश देगी तो सीज करने कौन जाएगा? सबसे पहली बात तो पुलिस ऑफिसर जाएगा। तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की पावर बताई कि पुलिस ऑफिसर को क्या पावर है? पुलिस ऑफिसर को ये पावर है कि ये जो एक्ट है जहां जहां एप्लीकेबल है वहां वहां जाकर वो सीज कर सकता है। मतलब अगर एमपी के स्टेट गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है तो वो सिर्फ एमपी तक सीमित नहीं रहेगा फॉरफीचर का आदेश,
एमपी का कोई पब्लिकेशन है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो एमपी का पब्लिकेशन सिर्फ एमपी में ही सर्कुलेट होगा, हो सकता है वो पूरे इंडिया में हो। ये एक्ट कहाँ लागू है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में। मतलब वो पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे इंडिया में जा सकता है सीज करने के लिए मटेरियल को, ऑन द ऑर्डर ऑफ एमपी गवर्नमेंट ओनली। अब जरूरी नहीं कि उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने दे दिया, एमपी गवर्नमेंट ने दे दिया ऑर्डर कि फॉरफिट करो सरकार के पास। तो अब वो पूरे भारत में जहां जहां मिलेगा पुलिस ऑफिसर, वहां वहां जाकर के सीज कर सकता है। क्लियर? कोई डाउट इतने में? किसी को कोई डाउट? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। पक्का? जी मैम। ओके। शेयरिंग वाला ऑप्शन कहाँ गया? हाँ, चलिए तो आज का सेशन तो हम यहीं पे क्लोज करेंगे, क्योंकि शायद से टाइम हो गया है, एक मिनट ही बचा है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ के। अब बाकी बची है इसकी सेक्शन 5, 6 और 7, 3 और बची है, तो 3 हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वाला एक्ट कंप्लीट करने के बाद आप लोग बताना कौन सा एक्ट पढ़ना है, कोई एक आध मेजर उठा लेते हैं। ठीक है, और आप लोगों को अच्छा लगे तो थोड़ा सा यूट्यूब पे जाके भी थोड़ा सा लाइक वाइक कमेंट वमेंट कर दिया करो यार। ठीक है, ओके मैम। चलो बढ़िया है, अच्छा लगा। थैंक यू मैम। एडीपीओ की तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, पेपर क्योंकि होगा, है ना, ये नहीं सोचना है कि पेपर नहीं होगा। लास्ट ऑफ दिसंबर लास्ट या फिर जनवरी फरवरी में पेपर पक्का होगा। और 32 सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं, 32 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए बहुत मेहनत और बहुत टाइम की जरूरत है। तो आप लोगों को तो भगवान से थैंक यू बोलना चाहिए कि आप लोगों को इतना टाइम मिला कि आप लोग 32 सब्जेक्ट्स पढ़ पाए, क्योंकि 32 सब्जेक्ट्स पढ़कर और याद रखना बहुत बड़ा टास्क है ना। और वो भी सिर्फ लॉ 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 पढ़ना है, तो वो ऑल टाइम सेक्शंस घूमती रहेंगी। अपना कमरा बिल्कुल ऐसा बना लो बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चों जैसा, बढ़िया चार्ट्स बनाओ, दीवारों पे चिपकाओ, अच्छा लगे कि हाँ यार पढ़ने वाले स्टूडेंट का एक कमरा है। और आप लोगों का भी फिर क्या होता है, मन लगता है। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जैसे माहौल में आप रहेंगे ना वैसा आपका दिमाग काम करने लगेगा। तो अपने रूम में जहाँ हो वहां पे, अब जैसे बता दिया कि ये ऐसे चार्ट्स बनाने हैं, ऐसे बनाने, बढ़िया बनाओ उनको, अच्छी दीवारों पे चिपकाओ, सुबह उठो तो एक बार सारे चार्ट्स पे नजर मार ली उठ करके, तो वो दिमाग में चीजें बैठेंगी और एक माहौल बन जाएगा क्रिएट। क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, किसी का मन तो लग नहीं रहा होगा, बड़ी मुश्किल में तो मन लग रहा है काम करने में, मतलब ऐसा लग रहा है बिस्तर में पड़े रहो उठो नहीं, खाना भी खाने जाना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा है हे भगवान क्यों खाना बनाया, कितना खाएं, बस खाओ और सो जाओ, खाओ और सो जाओ, है ना। तो अपने आप को थोड़ा सा बिजी करो, बहुत अच्छा समय मिला है, अपना माहौल चेंज कर लो बिल्कुल, अपने रूम वगैरह में बढ़िया चार्ट्स वार्ट चिपकाओ, बढ़िया